हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एक्सेल। तो एक्सेल में वो चीजें हम सीखेंगे। हमारे एक फ्रेंड हैं जिनका नाम है संदीप और ये वरिष्ठ इंजीनियर के पद पे कार्यरत हैं। ये सिविल इंजीनियर हैं, तो काम करते करते कभी कभी इनको दिक्कत आ जाती है ऐसी कि जैसे कि अभी पिछला वीडियो मैंने उन्हीं के लिए बनाया था। आई होप कि सबके लिए जो भी व्यूवर्स इस तरह के वीडियोज की चाह रखते हो उनके लिए वो जरूर हेल्पफुल रहा होगा। तो इसमें इनको करना क्या रहता था कि जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, ये नंबर्स दिए हुए हैं और इनको सब्ट्रैक्ट करना रहता था। जैसे इज इक्वल टू, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन करना है तो यहाँ पे 11 है तो 11 से मैं माइनस करता हूँ 19 को, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव आंसर नहीं आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये जो आंसर है वो नेगेटिव में आ रहा है। तो वो ये चाहते थे कि नेगेटिव नंबर्स जहां पर आए वहां पर कुछ प्रिंट होकर ही ना आए, यानी नेगेटिव वैल्यू प्रिंट ही ना हो। और आज का सवाल ये है कि 15 से कम वाली वैल्यूज प्रिंट हो और 0 तक प्रिंट हो, लेकिन 15 से ज्यादा वाली वैल्यूज प्रिंट ना हो और माइनस वाली वैल्यूज प्रिंट ना हो, तो ये कैसे होगा, इसके लिए हम कैसे फॉर्मूला क्रिएट करेंगे एक्सेल में, उसी की बात कर रहा हूं। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए ये इसको समझते हैं। यहां पर ये देख सकते हैं आप, यहां पर हमने ये लगाया हुआ है फॉर्मूला। यहां पर आप इफ लगा लीजिए, वही सेम इफ वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। और यहां पर आपको करना है लेस देन करना है, यहां पर ये जो लिखा हुआ है यहां पर, तो लेस देन करना है। और लेस देन क्या दे देंगे, यहां पर 0 दे देंगे, कॉमा देंगे। अगर ऐसा होता हो तो यहां पर ब्लैंक स्पेस प्रिंट हो जाए, यानी कि वैल्यू प्रिंट ना हो उसकी जगह ब्लैंक स्पेस प्रिंट हो जाए। अब हम इसमें नेस्टेड इफ यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर इफ लगाया हमने और इसमें क्या चाहते हैं हम, वही सेम चीज A2, ठीक है। और A2 लिख करके फिर लिखना है माइनस B2, ओके। इसमें क्या कंडीशन देनी है, सेकेंड कंडीशन हमारी ये होगी कि ग्रेटर देन 15, अगर 15 से ग्रेटर होता है तो क्या हो जाए, तो यहां पे प्रिंट हो जाए, स्पेस खाली स्पेस प्रिंट हो, कोई वैल्यू प्रिंट ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे फिर इफ लगाता हूं, यानी तीसरा इफ ये मैं लगा रहा हूं। और इसमें क्या करेंगे हम, अब है A2 माइनस B2, ठीक है, ये कर दिया हमने। इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू किया है हमने, 15 कर देंगे, कितना कर देंगे 15, यानी 15 से कम वैल्यू प्रिंट हो, यानी 15 से कम वाली वैल्यूज प्रिंट हो या 15 वाली वैल्यू प्रिंट हो, कॉमा, ठीक है। और ऐसा ना हो तो क्या हो, सॉरी, ऐसा अगर ये कंडीशन शो होती है तो क्या हो, यही वाली वैल्यू प्रिंट हो जाए, यानी A2 माइनस B2, ये वाली वैल्यूज प्रिंट होकर हमें मिल जाए। बस हमें इतना ही करना है। अब हमने एक इफ लगाया, दो इफ लगाया, तीन इफ लगाया, यानी तीन ब्रैकेट्स भी क्लोज होंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर माइनस में जो वैल्यूज आ रही हैं उनको ये हटा दे रहा है, आप देख सकते हैं इसको, ये वैल्यूज जो माइनस में है या 15 से अधिक हैं उनको ये हटा दे रहा है। अगर सपोज कीजिए यहां पे 11 है और यहां पे मैं 11 लिख दूं तो क्या होगा, 0 प्रिंट हो जाएगा। तो यहां पे देखिए 0 प्रिंट होकर आ रहा है, लेकिन अगर अब देखिए यहां पे अगर मैं 79 कर देता हूं तो ये भी प्रिंट होकर आएगा। देखिए 79 और माइनस 79 है, इसको मैं कर देता हूं 71, ठीक है। तो लेस देन 15 होना चाहिए, माइनस करने पे लेस देन 15 आना चाहिए। तो यहां देखिए 8 प्रिंट हो रहा है। अब यहां 49 है, अभी मैं यहां पे कर देता हूं 69। तो देखिए 69 से माइनस करेंगे 59 को, तो जो भी है 144 करता हूं मैं। अब देखिए अगर 15 से ज्यादा होगा तो वो प्रिंट होकर नहीं आएगा, तो यहां वैल्यूज प्रिंट नहीं हो रही है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये किस प्रकार से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। यहां पे मैं ऊपर सॉल्यूशन लिख देता हूं, तो और ये लगा दिया हमने, ओके। इसको थोड़ा बोल्ड कर लेता हूं और ओके। तो ये इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। अब जहां माइनस या 15 से अधिक की बात आएगी वहां वैल्यूज प्रिंट नहीं होंगी। जैसे यहां पर देखिए, अभी मैं माइनस वाला करके फिर से दिखाता हूं। जैसे 63 है, 63 से माइनस करते हैं हम 73 को, तो माइनस में आएगा इसका जो भी आएगा, तो वो प्रिंट होकर नहीं आएगा। यहां पे देखिए प्रिंट होकर नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए ये वैल्यूज प्रिंट होकर आ ही नहीं रही हैं। तो ये तरीका है, इस तरह से आप वैल्यूज को चाहे तो
ब्लैंक स्पेस प्रिंट करा करके और ये काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, वीडियो समझ में आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।